नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बाद के शासक मुबारक शाह खिलजी और उसके बाद में खुसरो खां के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से जो हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उन पर व्यूज़ वगैरह कुछ खास आ नहीं रहे, लेकिन इसका आप लोग ध्यान रखें और वीडियो को पूरा से पूरा देखने की कोशिश किया कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे उसी को देखिए। जैसे मध्यकालीन इतिहास की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके शासक वगैरह को बहुत अच्छे हैं नहीं, मतलब कि बहुत प्रसिद्ध है नहीं, आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा इसको पढ़ने में। लेकिन ये कड़ी है, कड़ी मत तोड़िए, जो भी आप देखते जा रहे हैं एक सीरीज से उसको देखते हुए जाइए, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा अगर जहाँ उसकी कड़ी टूटेगी तो फिर आप हाँ रट सकते हैं तो रट लीजिए, लेकिन कड़ी टूटने पर क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर क्या होगा आपका खुद का मनोबल डाउन होने लगेगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, मेरे को समझ में आ नहीं रहा। इसलिए आप जब भी मैं देखता हूँ कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कोई सीरियल से वीडियो देखते चले आ रहे हैं, आपको एक सीरीज से जब वीडियो देखेंगे तभी उसका आगे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर जो सीरीज़ बीच में तोड़ेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। PDF बनाने से अच्छा है, मैं आपको PDF दूँ उससे अच्छा है आप उसके खुद ही नोट्स बनाइए। खुद नोट्स बनाने का मतलब है कि जो मैं बताता हूँ उसको आप नोट करते हुए चलिए, और इसके अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे ज़्यादा फ़ायदा है। PDF का किताबें मार्केट में ही आप ले लीजिए, पढ़ते रहिए। आजकल तो शॉर्ट नोट्स वगैरह भी मार्केट में मिल जाते हैं, ले लीजिए और पढ़ते रहिए, लेकिन उससे कोई खास फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, रटने के लिए तो किताबें पढ़ी हैं, रटते रहिए। तो कहने का मतलब ये कि आप चीज़ों को अपने हाथों से नोट करते हुए चलिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा आपको ये लगेगा कि वीडियो बेकार है, मुझे उसमें कुछ समझ में आएगा नहीं, हम क्या करेंगे देख करके। तो अपना धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखने की कोशिश किया कीजिए। डाउनलोड वगैरह करते हैं तो वो भी कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। आप अगर जो देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं देखना चाहते हैं तो ना देखें। फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खां के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की क्या है, प्रतिदिन क्या हो रही है, उसकी तबीयत ख़राब होती चली जा रही है, और क्या हो रहा है कि जो उस कह सकते हैं कि जो मलिक काफूर है उसका प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और जो उसके जो पुत्र है खिजर खां वगैरह और ये सब क्या करते हैं आप देखेंगे तो षड्यंत्र रचने लग जाते हैं। और उनका कहने का मतलब यही होता है कि किसी भी तरीके से मलिक काफूर की बढ़ती हुई शक्ति का दोहन किया जाए, मतलब उसको ख़त्म किया जाए धीरे धीरे। तो उसमें इन सभी बीमारियों के बीच में जब राजा बीमार है तो उस समय आप देखेंगे कि जो बाकी जितने भी उसकी चाहे वाइफ हो, उसका बेटा हो, सब क्या षड्यंत्र रचने में पड़े हुए हैं, राजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने सबसे वफादार मलिक काफूर को जो देवगिरी में रह रहा है उस वक्त, तो उसको ले आता है, कहता है आप आइए उत्तर भारत के रूप कीजिए, दिल्ली पे आइए, आप अपना शासन संभालिए, क्योंकि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं मेरा ध्यान वगैरह नहीं दे रहे हैं। तो ये वो तो राजा का वफादार था ही। तो वो क्या होता है, मलिक काफूर दक्षिण भारत से उसको मतलब दिल्ली बुला लिया जाता है, और उसका लेकिन उससे पहले जो आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को क्या किया था, अपना वारिस नियुक्त कर दिया था, लेकिन वो भोग विलासी जीव होने के कारण क्या होता है उसका शासन प्रशासन में उसकी कोई रुचि नहीं होती है। आगे चल करके मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत ख़राब होती चली जा रही थी। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे तो खिजर खां है, खिजर खां अलाउद्दीन की कह सकते हैं कि मन्नत मांगने के लिए कि उसकी हालत ठीक हो जाए वो चला जाता है। लेकिन उसी समय मलिक काफूर बहुत अच्छा अवसर मानता है कि तो मलिक काफूर अवसर मानता है कि देखो खिजर खां भी है नहीं, राजा बीमार पड़ा है, कुछ ऐसा किया जाए कि हम खुद सत्ता हथिया लेते हैं। तो मलिक काफूर क्या करता है, पूरी सत्ता अपने आप खुद ही हथिया लेता है और अपने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में आप देखेंगे तो उसका एक पुत्र जिसका नाम है शिहाबुद्दीन, ये शिहाबुद्दीन उमर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है, इसकी माता जो थी वो हिंदू थी। शिहाबुद्दीन उमर की माता क्या थी, हिंदू थी। तो शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाता है और उसका संरक्षक के तौर पे ये खुद बन जाता है, अर्थात उसका संरक्षक अपना स्वयं बन जाता है, कौन, मलिक काफूर बन जाता है। आप देखेंगे जो खिजर खां था, खिजर खां को बंदी बना करके उसको ग्वालियर के किले में डाल देता है, और ग्वालियर के किले में और भी लोगों को डाला जाता है। इसमें आप देखेंगे जिसका एक पुत्र जिसका नाम है मुबारक, उसको भी डाल दिया जाता है। लेकिन आगे चल करके ऐसा लगता है कि मुबारक सत्ता हथिया सकता है, इसलिए मलिक काफूर क्या करता है, सैनिकों को जिनको पायक बोलते थे, सैनिकों को क्या करता है, भेजता है कि आप जाइए और मुबारक को
अंधा करके चले आइए। तो क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, तो मुबारक को कहता है कि आप जाइए, मुबारक को अंधा करके चले आइए, सैनिकों से कहता है। तो सैनिक क्या करते हैं, मुबारक के पास पहुँचते हैं। मुबारक के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो मुबारक क्या उनको राजा के प्रति वफादार होने की बात करता है, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के प्रति वफादारी की बात करता है कि आप उनके वफादार हैं और देखिए कोई दूसरा आके सत्ता हथियार लेगा, जो एक दास था वो सत्ता हथियार ले रहे हैं। तो सैनिकों का मन बदल जाता है और वो आ करके मलिक काफूर की हत्या उल्टा कर देते हैं, अर्थात सैनिकों का मन विचलित और आ करके हत्या कर दी किसकी, मलिक काफूर की कर देते हैं। अब मलिक काफूर की हत्या हो गई, अब मलिक काफूर की हत्या हो गई तो शासक कौन बन जाएगा, शासक अभी शिहाबुद्दीन ही है। देखिए मैंने लिख दिया है, मलिक काफूर ने सैनिकों को मुबारक खां खिलजी को अंधा करने के लिए भेजा, लेकिन सैनिकों ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। अब शासक शिहाबुद्दीन बना हुआ है, अब मुबारक जो है वो शिहाबुद्दीन का संरक्षक बनेगा, लेकिन आगे चल करके वो खुद शिहाबुद्दीन की हत्या कर देता है, अर्थात शिहाबुद्दीन वर्सेस मुबारक। मुबारक कई किताबों में लिखा हुआ हत्या कर देता है, कई किताबों में लिखा है बंदी बना लेता है, तो उसकी क्या कर देता है, हम मान लेते हैं बंदी बना लेता है या हत्या कर देता है। फिलहाल शासन की बागडोर मुबारक शाह खिलजी के हाथ में आ जाती है। तो अब हम देखेंगे मुबारक शाह खिलजी का जो शासन है वो शुरू होगा, और मुबारक शाह खिलजी के शासन में हम देखेंगे तो ये अपने आप को स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। अभी तक सब खलीफा के नायब या खलीफा के प्रतिनिधित्व की बात करते हुए चले आ रहे थे, अर्थात उपाधि धारण करते थे, लेकिन इसने क्या किया, अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। और कहते हैं कि ये मतलब कि ये एक ऐसा शासक था जो नग्न होकर के दरबार में दौड़ा करता था, और इसके एक प्रमुख था, मतलब मुबारक हसन नाम था, मुबारक हसन कह सकते हैं इसका, काफ़ी ज़्यादा इसके करीब रहता था मुबारक हसन। मुबारक हसन को इसने क्या किया था, खुसरो खां की उपाधि दी थी। कहते हैं कि दरबार में ये आलिंगन और चुंबन मुबारक हसन के साथ करता रहता था। तो याद रखिएगा उसका खास था, कौन था, मुबारक हसन, जिसका उपाधि क्या थी, खुसरो खां की थी। तो याद रखिएगा मुबारक शाह खिलजी। लेकिन ये एक ऐसा शासक था ना, तो इसकी कई ऐसे शासक हुए हैं जिनकी जो राजनीतिक स्तर पर नहीं अच्छे हुए, लेकिन उनकी कुछ नीतियाँ वगैरह नहीं, धार्मिक स्तर पर वो अच्छे साबित हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसा शासक था जो ना तो राजनीतिक स्तर पर सफल रहा, ना तो धार्मिक, ना तो किसी भी तरीके से ये सफल नहीं रहा। इसकी भोग विलासिता इसके जीवन का मुख्य भाग बन चुकी थी, और आप देखेंगे कि यही इसके पतन का भी कारण बन जाती है मुबारक शाह खिलजी के। इसने देवगिरी की पुनः विजय की थी और खिजर खां की हत्या कर देविल देवी से विवाह किया। मतलब कि आप देखेंगे इसने खिजर खां की, जो जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसको आगे चल करके आप देखेंगे तो जो मलिक काफूर था बंदी बना लेता है, ग्वालियर के किले में डाल देता है। ये खिजर खां की हत्या करता है और देवल देवी से विवाह कर लेता है। मैंने बताया था कि जब जिस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी को आप देखेंगे गुजरात अभियान करता है, तो वहाँ के जो रायकर्ण, वहाँ का जो शासक है, वो भाग कर चला जाता है कहाँ पे, देवगिरी पे, लेकिन उनकी वाइफ कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनसे आगे चल करके शादी अलाउद्दीन खिलजी कर लेता है। लेकिन बाद में जब वो देवगिरी का अभियान करता है तो वहाँ से वो जो देवल देवी है उनको ले आता है, उनसे शादी कर देता है खिजर खां के साथ में। तो ये मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया है, अगर जो आप कड़ी नहीं तोड़े होंगे तो आपको ये ज़रूर याद होगा। तो खिजर खां की हत्या कर देवल देवी से विवाह कर लिया, तो याद रखिएगा देवल देवी से विवाह कर लेता है। इसने ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था, ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। आगे चल करके आप देखेंगे, कहते हैं कि जब ये मुबारक शाह खिलजी खुसरो खां से आलिंगन या चुंबन करता था, तब वे खुसरो खां बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और कई बार उसने कटार निकाल करके मारने की कोशिश भी की थी। एक टाइम और भी ऐसा आया जब ये ऐसा करता है और उसकी बाल पकड़ करके, अर्थात जो खुसरो खां है उसने मुबारक शाह खिलजी के बाल पकड़ करके उसको नीचे गिरा देता है, और नीचे गिरा करके सिरधर से अलग कर देता है, अपना खुद सुल्तान बन जाता है। यहीं से आप देखेंगे कि जो खिलजी वंश है वो यहीं से ख़त्म हो जाता है मुबारक शाह खिलजी के काल में, और जो उसी में आप देखेंगे उसी के अधीन जो खुसरो खां है वो शासक बनता है। खुसरो खां याद रखिएगा, खुसरो खां क्या हुआ, शासक बना मुबारक शाह खिलजी की दरबार में ही हत्या करके। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और शत्रुओं के विरुद्ध नारे लगाए कि इस्लाम खतरे में है। और इसने, जब मैंने बताया, इसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी थी, और मुबारक शाह खिलजी ने खिजर खां की हत्या करके देवल देवी से विवाह किया था,
अब इसने जब खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या की तो उसने देवल देवी से पुनः इसने विवाह कर लिया। तो देवल देवी से सबसे पहले जो विवाह किया था खिजर खां से, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी ने किया, फिर खुसरो खां ने किया था। दीपालपुर का राज्यपाल है जिसका नाम है गाजी मलिक तुगलक। गाजी मलिक तुगलक जो है उसने किसी भी तरीके से सत्ता स्वीकार नहीं की थी, किसकी, खुसरो खां की। तो दीपालपुर के सूबेदार जो गाजी मलिक तुगलक है उसने कभी भी इनकी सत्ता, खुसरो खां की सत्ता स्वीकार नहीं करता है और दोनों के मध्य में संघर्ष की स्थिति बन जाती है और दोनों के मध्य में युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है, गाजी मलिक वर्सेस खुसरो खां, और उसमें गाजी मलिक खुसरो खां की हत्या कर देता है, उसी प्रकार हत्या कर देता है जिस प्रकार खुसरो खां ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दिया था। तो उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और शासक बन जाता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि खुसरो खां की हत्या के बाद में वहाँ के अमीरों ने उसका हाथ पकड़ करके गाजी मलिक को लेकर के जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप आइए शासन की बागडोर संभालिए। यही गाजी मलिक आप देखेंगे यही तुगलक वंश की स्थापना कर देगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे मित्रों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। मैं इसको कहानी के तौर पर इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कुछ अलग आपको महसूस हो, अर्थात आप कुछ अलग चीज़ें पढ़ें, क्योंकि आप किताबी कीड़ा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जब तक कहानी के तौर पर चीज़ों को नहीं समझेंगे आप उसको नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं इस कहानी में आपको कितने प्रश्न से मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि आपको मैक्सिमम ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको इन जो मैं बताता हूँ उनसे ना मिले। हाँ, एक आधे प्रश्न हो सकते हैं जो विषयत्तर माने जाते रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।